बच्चों आज आपको हम मल्टीप्लिकेशन पार्ट फोर के बारे में बताएंगे। कैसे कोई क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक है जब इकाई के अंकों का योग 10 एवं दहाई या सैकड़ा आदि अंक समान। आज का मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे कि जब इकाई के अंकों का योग क्या होगा 10 होगा एवं दहाई या सैकड़ा आदि अंक क्या हो समान हो, उसका कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा कैसे करेंगे। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है, ऊपर क्या लिखा है 14 और नीचे 16, 14 और 16 है। अब देखिए इकाई के अंकों का योगफल क्या हो रहा है, 4 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा 10 होगा। और देखिए दहाई के अंक क्या दिखाई दे रहा है, समान है। तो इसका एक नियम है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, जब अंकों का योग 10 होगा और एक दहाई के अंक समान होंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसेस है, इसमें इकाई के अंकों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 में 6 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। एक आब्लिक लगा देंगे, 4 में 6 का गुणा करेंगे, जो इकाई पर है उसका हम आपस में गुणा करेंगे, 4 में 6 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 24। और देखिए अब क्या करते हैं कि जो दहाई के स्थान पर 1 है इसमें 1 जोड़ते हैं तो 1 धन 1 और गुणे 1 करेंगे। इसका मतलब समझिए, जो दहाई की देखिए यह इकाई हो गया आपका, जैसे यह इकाई का अंक हो गया, यह क्या हो गया दहाई का, तो दहाई में 1 जोड़ेंगे तो 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए, जो भी दहाई पर रहेगा उसमें 1 जोड़ते हैं और उसमें जो है दहाई का गुणा करेंगे। दहाई तो 1 ही है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए और दहाई का गुणा कर दीजिए तो 1 1 क्या हो गया 2, 2 1 कम 2। इसका मतलब हम 2 आबलिक क्या लिखेंगे 24, आबलिक को हटा देंगे 224 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे गुणा करते हैं, जैसे इकाई के अगर अंकों का योगफल क्या हो 10 हो जाए और दहाई के अंकों, दहाई या सैकड़े के स्थान पर जो भी अंक हो वह क्या हो समान हो। देखिए 1 1 है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा कि इकाई का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 में 6 का गुणा करेंगे क्या आएगा 24, और दहाई के स्थान पर जो रहेगा उसमें हम 1 जोड़ते हैं। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 धन 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो इसलिए 1 धन 1 और उसमें दहाई का गुणा करेंगे, दहाई पर क्या है 1 है तो हो जाएगा 2 1 कम 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 224। आइए एक दूसरा गुणा लेते हैं 298। अब देख रहे हैं कि इकाई यह क्या है दहाई यह क्या है सैकड़ा। अब देखिए इकाई के अंकों का योगफल क्या हो रहा है, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर जब इकाई के अंकों का योग 10 होगा तो हमारा यह रूल लागू होगा, और पीछे का देखेंगे कि अंक समान है कि नहीं। देखिए दहाई सैकड़ा के स्थान पर, दहाई पर क्या है 9 है, सैकड़ा पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी दहाई पर 9 है, यहाँ पर सैकड़े पर क्या है 2 है। इसका मतलब इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई सैकड़ा जो भी हो अगर वह सेम अंक है तो इसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो है यही जो प्रोसेस है वही प्रोसेस इसमें भी लागू होगा। तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं आबले। अब जो है क्या करेंगे 29 में 1 क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखिए पीछे का अंक क्या है 29 है, इधर भी क्या है 29 है, तो हम क्या करेंगे जो सेम अंक है उसमें जो है 1 जोड़ देंगे। यहाँ सेम अंक क्या था 1 था तो 1 में 1 जोड़ दिए थे, यहाँ पर सेम अंक क्या है यहाँ पर भी 29 है, यहाँ पर भी क्या है 29 है तो 1 जोड़ देंगे और उसमें जो है दहाई का गुणा करेंगे। अब इसको पूरा जो है कि 1 ही मान लेते हैं, जो सेम अंक है उसी का क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो अब यह हो गया 29 में 1 जुटेगा क्या हो गया 30 गुणे 29, आबली का 16 लिख दीजिए। अब 30 में 29 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 870, आबलिक क्या हो जाएगा 16, तो आबलिक को हटा दीजिए 870 16।
तो आपका देख रहे हैं कि आवली हटाने के बाद जो आंसर आएगा यही आपका 8,87,000 क्या है 16 है। अब एक बार याद रखिए, जब इकाई के अंकों का योगफल अगर 10 होता है और दहाई सैकड़े का स्थान जो है जो भी अंक है उसमें वह समान होता है तो इकाई के अंकों का हम गुणा कर देते हैं और जो यह सेम अंक है उसमें हम एक जोड़ देंगे और इस 29 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 870 और 8 × 16 तो 8,70,16 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।